संस्कृति में देवी देवताओं को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। इसी तरह माँ काली के भी कई स्वरूप हैं। शक्ति की देवी काली माँ के हर रूप का अपना ही एक अलग महत्व है। आज हम बात करेंगे माँ तारा के बारे में। तारा का अर्थ है आंख और पीठ का अर्थ है स्थल। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है और इस स्थान को यहाँ स्थित तांत्रिक मंदिर के कारण जाना जाता है, जो यहाँ की स्थानीय देवी तारा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति की एक मिसाल के रूप में पूजा जाता है। यह देवी सनातन धर्म की प्रमुख देवी है। तारापीठ का शाब्दिक अर्थ होता है देवी तारा के बैठने का स्थान। तारापीठ को भारत में शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तारापीठ मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने उनके पिता द्वारा अपमान होने के बाद वह एक पवित्र अग्नि कुंड में कूद गई थी और अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पत्नी की मृत्यु से व्याकुल भगवान शिव ने उनके शव को लेकर सारी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया और तांडव नृत्य करने लगे ताकि वह सृष्टि का विनाश कर दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए माता सती के शव के अंगों को अपने चक्र से काटना शुरू कर दिया ताकि भगवान का मोह भंग किया जा सके। कटे हुए अंग जिन जिन स्थानों पर गिरते गए वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना होती गई। तारा पीठ में देवी की आंखें गिरी। बंगाली में तारा का अर्थ आंख होता है। यह शक्ति पीठ जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम पहले चंडीपुर था, जिसे बाद में बदलकर तारापीठ कर दिया गया। सती को आदि शक्ति का दूसरा रूप कहा जाता है। मंदिर में देवी के कई रूपों को दर्शाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शक्ति के कई रूप थे, काली, दुर्गा आदि। इसके साथ ही इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि विशिष्ट मुनि ने माँ की कठिन तपस्या करके कई सारी सिद्धियों को प्राप्त किया था और उन्हीं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि समय के चलते वो प्राचीन मंदिर मिट गया और अभी जो मंदिर आप देखते हैं उसे जयव्रत नाम के एक व्यवसायी ने बनवाया था। आपको बता दें कि तारापीठ मंदिर शमशान घाट के समीप स्थित है। इस घाट को महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ शमशान घाट में जलती चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। बाबा खेपा नाम के एक साधक ने माँ की कठिन साधना कर अनेक सिद्धियों की प्राप्ति की थी। तारा माँ और बाबा खेपा को लेकर कई सारी अलौकिक घटनाएं आज भी चर्चित हैं। तंत्र की साधना का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और तारापीठ एक तंत्र स्थल के लिए जाना जाता है। तारापीठ की शिलामयी माँ का दर्शन केवल सुबह और शाम के श्रृंगार के समय ही होता है। आपको बता दें कि वैसे तो माँ की आरती सुबह शाम दो दो बार की जाती है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ की तीन बार आरती की जाती है। यहाँ माँ को प्रसाद के रूप में नारियल, पेड़ा, इलायची दाना चढ़ाया जाता है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि महाशमशान में पंचमुड़ी के आसन पर बैठकर एकाग्र मन से तारा माँ का 300,000 बार जाप करने से किसी भी साधक को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस महापीठ के दर्शन से इंसान की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तारापीठ कोलकाता से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ आप बस, ट्रेन या फिर कार या किसी भी साधन से जा सकते हैं। मंदिर में सभी प्रवेश द्वार बेहद ही सुंदर नक्काशी वाले हैं। इसके अलावा भगवान शिव और चक्रस की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। मंदिर की मूर्ति में तीन आंखें, एक सिंदूर से सना हुआ मुंह है। यहां तारा माँ का प्रसाद मिलता है, जिसमें उनको स्नान कराया जाने वाला पानी, सिंदूर और शराब मिली होती है। तारा देवी को भक्तगण शराब भी चढ़ाते हैं। महशमशान में हजारों भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और माँ तारा उनकी हर मुराद पूरी करती है। यदि आप भी अपने जीवन काल में कभी भी कोलकाता जाएं, तो कोलकाता के माँ काली मंदिर और माँ तारा पीठ के मंदिर में अवश्य जाएं। जय माँ काली। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।